दिल्ली एनसीआर में अगर आप ढूंढ रहे हो बहुत अच्छे अच्छे से बफेज जहां पर आप अनलिमिटेड फूड खा सको और एम्बियंस तो एकदम टॉप नॉच चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ब्रांड न्यू बफे रेस्टोरेंट जो कि बोहो स्टाइल है। यहां पर आपको पूरी बोहो थीम मिल जाती है, बोहेमियन थीम मिल जाती है, एम्बियंस अच्छा है और फूड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फटाफट से चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है और फूड रिव्यू भी करेंगे, पूरा एम्बियंस दिखाएंगे, बफे चार्जेस, लंच, डिनर सब कुछ बताएंगे। तो आप डेफिनेटली अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो यहाँ पे, फैमिली गेट टुगेदर्स पे जा सकते हो एंड सो ऑन। सो कम ऑन, लेट्स शो यू दिस कैफे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। इस पर्टिकुलर बफे रेस्टोरेंट में आपको फूड वेराइटीज तो बहुत सारी मिलती है, बट यहाँ पर आपको एम्बियंस इतना प्रिटी, इतना सुंदर मिल जाता है ना, पूरी की पूरी बोहिमियन थीम है। हर जगह देखोगे यहाँ पर आपको बोहिमियन वाइब्स मिलेंगी, जो कि नॉर्मली आपको बफे रेस्टोरेंट में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि नॉर्मली जो जनरली बफे रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वहाँ पर बहुत मिनिमलिस्टिक सी वाइब, सिंपल सी वाइब, डिसेंट वाइब होती है, बट यहाँ का एम्बियंस इज सुपर अमेजिंग। बहुत सारी ग्रुप सीटिंग्स भी हैं यहाँ पर, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर्स प्लान कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करा भी था, तो वो हम आपको दिखाएंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो। और अगर आप यहाँ पर इवनिंग में आ रहे हो डिनर करने के लिए, तो आपको यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी मिल जाता है। वीकेंड में आ रहे हो लंच टाइम पे, तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर लाइव म्यूजिक। तो यहाँ पर अलग से लाइव म्यूजिक के लिए स्टेज भी बना हुआ है, लाइव काउंटर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें भी हमें आपको दिखाने वाले हैं, बट उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर ऑन टेबल क्या क्या चीजें सर्व होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आकर बैठते हैं, आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल लगा दी जाती है, जिसके अंदर ये सारी की सारी ग्रिल आइटम्स जो स्टार्टर्स हैं वो आपको देते हैं। यहाँ पर आपको ग्रिल आइटम्स में मिलता है मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का एंड सोया चाप। इन तीनों चीजों की क्वालिटी इज सुपर डुपर अमेजिंग, सब कुछ इतना टेस्टी था ना। पनीर टिक्का एंड चाप वाज आल्सो टू गुड, बट मशरूम वाज अल्टीमेट, क्योंकि मशरूम ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, एंड मशरूम मतलब इतने ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो अगर आपको भी मशरूम्स पसंद है तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली बफे में आ रहे हो तो सबको ट्राई करोगे ही। और यहाँ पर अलग से आपको प्लेट्स में क्रिस्पी कॉर्न्स भी सर्व करे जाते हैं, एंड ट्रस्ट मी अभी तक जितने भी बफेज मैंने ट्राई करे ना, उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिस्पी कॉर्न्स मुझे यहाँ के लगे हैं। मतलब इसके अंदर ना इन्होंने जो कुछ ऊपर से मसाला वसाला डाला हुआ था, दैट वाज सो गुड, मतलब खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा था, कुछ अलग ही थे यहाँ के क्रिस्पी कॉर्न्स। साथ में साल्सा पोटैटोज भी सर्व करे जाते हैं, एंड वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बाय गॉड। हमने तो ये सारी चीज़ें दोबारा दोबारा रिपीट कराई। और यहाँ पर ना आपको पाइनएप्पल्स भी मिलते हैं, वो ये ग्रिल में नहीं लगा के देते, बट उसका सर्व करने का तरीका इनका बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का है, और मतलब बड़ा ही ना ऐसे प्रेजेंटेबल टाइप सा लगता है। तो जब ये ऐसे सर्व करने आते हैं, एक बड़ा सा इन्होंने बड़ी सी सीख के अंदर ये लगाए हुए थे, और उसको आपकी प्लेट में ही कट करते हैं, एंड पाइनएप्पल वाज आल्सो टू जूसी। अगर मैं उसका टेस्ट बताऊँ तो मतलब सीरियसली अभी भी ये सोच के ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फूड क्वालिटी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो आई एम श्योर आप यहाँ पर आ रहे हो तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। और हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब लिटरली वो बार बार आपसे पूछने आते रहते हैं कि आपको और क्या रिपीट कराएं, और क्या लेंगे आप। तो जो जो चीज़ें टेबल पर सर्व होती हैं, ये आपको आपके आसपास घूम घूम के आपको सर्व करते ही रहते हैं। ये जितनी भी सारी चीज़ें सर्व हुई, ये सब हम अनलिमिटेड टाइम्स ले सकते हैं। और जो लाइव काउंटर्स हैं और मेन कोर्स में चीज़ें, डिजर्ट्स हैं, वो सब भी अनलिमिटेड है, क्योंकि बफे का मतलब ही अनलिमिटेड फूड इन दिल्ली है। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई बेस्ट बफे इन दिल्ली एनसीआर, बेस्ट बफे इन गुड़गांव, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये बेस्ट बफे रेस्टोरेंट लगा। चलो अब आपको दिखाते हैं यहाँ के लाइव काउंटर्स की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये वाला जो काउंटर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको खोमचा आइटम्स मिलती हैं। तो यहाँ पर पालक पत्ता चाट है, विच इज़ टू गुड, और दही बल्ला भी मिल जाते हैं, खस्ता कचौड़ी है, गोलगप्पे हैं, गोलगप्पे के लिए आप पानी खुद अपना फिल कर सकते हैं। गोलगप्पे वैसे इसके अंदर आपको आलू चटनी वगैरह डाल के देते हैं, बट पानी आप खुद से डाल सकते हैं। मेरे से तो लिटरली पानी बाहर ही गिर गया था। गोलगप्पे थोड़े से एवरेज थे, बट बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। ये वाला जो लाइव काउंटर है, यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लाइक छोले कुलचे, डोसा सांभर, इडली सांभर, पिज्ज़ा, पास्ता, फलाफल विद हमस भी है यहाँ पर, एंड सुशी भी है। सीरियसली तो यहाँ पर आपको सारी कुजीन मिल जाती है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, जापानीज, ओ माय गॉड सीरियसली। यहीं पर ही आपको फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, तो फ्रूट्स में दो वेराइटीज थी, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। आई एम श्योर ये चेंज होते रहते होंगे अकॉर्डिंग टू सी
सीजंस नॉर्मली बफेज में, मतलब मैं पहली बार ये बफे देख रही हूँ जहाँ पर फलाफल विद हमस मिलता है. मतलब ये फीता ब्रेड के अंदर ही ना इन्होंने फलाफल डाला हुआ था, साथ में हमस था, तो इट वॉज सुपर डुपर टेस्टी. सुशी भी काफी ज्यादा टेस्टी है यहाँ पर. तो मतलब सुशी यार जनरली बफेज में नहीं मिलती है. एक हमने बारबेक्यू टाइम्स किया था गुड़गांव वाला बफे, तो वहाँ पर भी जब एशियन फेस्ट चल रहा था तब उनके पास सुशीज थी. आई डोंट नो अब है या नहीं, बट वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो. हमने ऑलरेडी वो कैफे कवर करा हुआ है, मतलब वो बफे रेस्टोरेंट कवर करा हुआ है. बारबेक्यू टाइम्स भी बहुत बड़ा बफे रेस्टोरेंट है, बहुत सारी फूड वेराइटीज है. बट यार अगर फूड क्वालिटी की बात करूँ ना तो आई वुड से थेमिस बारबेक्यू की वहाँ पर ज़्यादा जीत है. मतलब जहाँ पर ये वाले बफे रेस्टोरेंट में हम आए हैं, ये वाले में फूड क्वालिटी सुपर डुपर अमेजिंग. यहाँ पर आपको ड्रिंक्स भी मिल जाती है, ये भी बफे के अंदर इंक्लूडेड होती है. बट ये ड्रिंक्स अनलिमिटेड नहीं है, ये आपको वन पर पर्सन मिलती है. मतलब वन ड्रिंक पर पर्सन आप ले सकते हो. तो हम लोग दो लोग गए थे तो हमने यहाँ पर दो ड्रिंक्स अपने सामने ही प्रिपेयर कराई थी. ये ड्रिंक्स काउंटर है, तो काफ़ी सारी ऑप्शन थी. इसके अंदर हमने ले ली थी एक वाटरमेलन मोइतो एंड एक ले लिया था पाइनएप्पल पन्ना. सो मेरे को तो ऑनेस्टली वाटरमेलन फ्लेवर ज़्यादा पसंद है. बट अगर मैं ड्रिंक्स की बात करूँ तो यार जो इन्होंने वाटरमेलन मोइतो बनाई थी वो सिरप से बनाई थी, थोड़ी सी रिफ्रेशिंग वो कम थी. टेस्टी थी ऑब्वियसली, बट यार इसमें ना मेरे को पाइनएप्पल पन्ना जो था वो इतना ज़्यादा टेस्टी लगा. मतलब वो सीरियसली पूरा फ्रेश पाइनएप्पल से इन्होंने बनाया था. इट वॉज सो सो डैम गुड. बाय गॉड, मेरे को तो अम्मी भी दोबारा पीने का मन कर रहा है. वो मैं तो आपको यही कहूँगी कि जब भी आप थेमिस बारबेक्यू हाउस जा रहे हो तो आपको ये पाइनएप्पल पन्ना तो डेफिनेटली ट्राई करना है. मतलब ये लेना ही है आपको, एक ड्रिंक तो ये वाली लेनी है. बाकी और जो लोग आपके साथ जा रहे हैं वो कोई और ले सकते हैं ड्रिंक. जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या फिर कोई भी जो ओकेजन है वो आप यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज केक ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं. तो यार मतलब सीरियसली इतना सही केक दिया था ना इन्होंने. सुशांशु का बर्थडे था, हमने यहीं पर सेलिब्रेट किया एंड इतने अच्छे से लोग सेलिब्रेट कराते हैं. साथ में इनका पूरा स्टाफ ऐसे आपके टेबल के आसपास आके खड़े हो जाते हैं, साथ में हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, क्लैप करते हैं. तो मतलब एकदम स्पेशल वाली जो फीलिंग आती है ना वो आपको यहाँ पर मिलती है. एंड जो बेस्ट पार्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि केक कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल फ्री है यहाँ पर केक. अब आप ये भी सोचोगे कि बफे के चार्जेस क्या है, बफे के चार्जेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है. तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाला बफे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. मतलब ये अंडर 1000 रुपीज़ ही है. तो इसके अभी मैं प्राइजेस आपको गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो सब बताने वाली हूँ कि लंच पफे के क्या प्राइजेस हैं, डिनर पफे के क्या प्राइजेस हैं, वीकडेज पे क्या हैं, वीकेंड्स पे क्या हैं, क्योंकि ये सब वेरी करते रहते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो. फिर हमने लाइव काउंटर से पिज्ज़ा एंड पास्ता भी ले लिए थे, तो पिज्ज़ा वॉज ऑल्सो टू गुड. मतलब यहाँ पर पिज्ज़ा में भी आपको दो वेराइटीज़ मिल जाती हैं, ग्रेटा पिज्ज़ा ले सकते हो या फिर ऑल वेजीज पिज्ज़ा ले सकते हो. तो हमने तो यहाँ पर वेजीज वाला पिज्ज़ा लिया था एंड इट वॉज सुपर डुपर चीज़ी. साथ में पास्ता भी लिया था, तो रेड सॉस पास्ता भी ट्राई किया, व्हाइट सॉस पास्ता भी ट्राई किया. दोनों ही चीज़ें इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना. मतलब पास्ता भी नॉर्मल बफे रेस्टोरेंट्स में ना आपको इतना टेस्टी नहीं मिलेगा पास्ता. मुझे लगता है क्वालिटी में ना ये वाला कैफे, ये वाला जो रेस्टोरेंट है इसकी बहुत ही तगड़ी वाली जीत है. तो अगर आप ढूंढ रहे हो कोई बेस्ट फैमिली रेस्टोरेंट इन दिल्ली जहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग सा फूड मिल जाए, अनलिमिटेड फूड मिल जाए, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए. अब हम आपको यहाँ पर मेन कोर्स भी दिखा देते हैं. हमारा तो इतना ज़्यादा पेट भर चुका था ना कि हम और कुछ नहीं खा सकते थे. बट हाँ डेफिनेटली हमने यहाँ पर आपके लिए मेन कोर्स पूरा शूट किया कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर. तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं. नॉन वेज में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी, वेज में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ थी. और ब्रेड्स ये लोग गरम गरम आपके टेबल पे ही सर्व करते हैं. चलो अब बात करते हैं यहाँ के चार्जेस के, कि वेज बफे के क्या चार्जेस हैं, नॉन वेज बफे के क्या चार्जेस हैं. मंडे ट्यूजडे यहाँ पर थोड़े डिफरेंट चार्जेस हैं, तो सारे चार्जेस बताएंगे. बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक इसको ज़रूर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और ना हमें कमेंट करके बताओ कि आपका बर्थडे कब आता है और आप यहाँ पर विजिट करना चाहोगे या नहीं, ये ज़रूर बताना. और भी कोई अगर आपकी बफे रिकमेंडेशंस हैं या अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ बफे ऐसे पर्टिकुलर अंडर 500 लेके आएँ, अंडर 1000 लेके आएँ, लग्जूरियस बफेज लेकर आएँ, तो वो सब भी आप अपनी रिकमेंडेशंस हमें कमेंट्स में बता सकते हैं. हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर मंडे ट्यूजडे के लिए जो वेज बफे के चार्जेस हैं दैट इज 849. ये अडल्ट के लिए. किड्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो किड्स में अगर वो अबव
अब 9 ईयर्स हैं तो उनके 469 रुपीज़ पर हेड हैं, जो कि मंडे टू संडे हमेशा ही एक ही प्राइस रहता है। मतलब ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 849 रुपीज़ से बफे प्राइजेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 1099 तक जाते हैं, विच इज़ आई थिंक वेरी गुड। मेन कोर्स के बाद डिजर्ट्स खाने तो बनते हैं, तो यहाँ पर डिजर्ट्स में भी बहुत सारी वेराइटी है। मतलब आप देख देख के सब थक जाओगे, बट ये डिजर्ट्स ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि और मतलब सीरियसली बफे रेस्टोरेंट्स में ना जनरली क्या होता है कि आप देख कर ही थक जाते हो, देख कर ही आपका पेट भर जाता है। तो यहाँ पर आपको पेस्ट्रीज क्या, ड्राई केक्स क्या, मफिन्स क्या, इंडियन डिजर्ट्स क्या, मतलब गुलाब जामुन, खीर, ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पर, कोल्ड आइसक्रीम भी है जो लाइव बनाते हैं लोग, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो जो आपका मन करे आप वो खाओ। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पर 849 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 1099 तक चार्जेस जाते हैं बफे प्राइजेस जो हैं, विच इज़ आई थिंक गुड इनाफ, क्योंकि क्वालिटी क्वान्टिटी तो खैर बफे में मिलती है, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। एम्बियंस ऑल्सो सो एस्थेटिक, बहुत ही इंस्टाग्रामेबल है, और ये वाला पफे बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है गुड़गांव के अंदर। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली, बेस्ट पफे रेस्टोरेंट इन दिल्ली जहाँ पर आप अनलिमिटेड फूड इन्जॉय कर सकें, अनलिमिटेड फूड इन दिल्ली खाना है, दैट टू इन अ वेरी गुड क्वालिटी, तो यू कैन डेफिनेटली विजिट देम इज बारबेक्यू हाउस। नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।